पैन पांच, पैन पच्चीस, पैन तीस, पैन पैंसठ और पैन पचास। तो मैं यहाँ देखो, टेन पांच, टेन पचासी और टेन तीस। अब मैं इसको भी क्या करूं, टेन नब्बे माइनस कितना कर दो, पच्चीस कर दो इसको, है ना। तो ये क्या बच जाएगा, पैंसठ बच जाएगा। और यहाँ पे वही टेन नब्बे माइनस पांच, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे जाएगा, टेन पांच, टेन पच्चीस, टेन तीस। अब ये टेन नब्बे से कम तो टेन तीस में जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोट पच्चीस और ये कोट पांच, ठीक है। अब यहाँ देखो कि टेन पांच, टेन पच्चीस और टेन तीस। अब मैंने बताया भाई कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, वन बटे टेन थीटा होता है, ये बताना। कोट थीटा बराबर वन बटे टेन थीटा होता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर लेता हूँ, इस कोट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ वन बटे टेन। तो मैंने लिखा एक बटे टेन पच्चीस गुणा एक बटे टेन पांच, लिख सकता हूँ। अब ये टेन पांच से ये टेन पांच गया, ये टेन पच्चीस से ये टेन पच्चीस गया, तो क्या बचा भाई यहाँ पे, टेन तीस। और टेन तीस का मान क्या होता है, वन बटे रूट थ्री होता है, और ये अपना रहेगा आया अपन लग कहा आए गए समझ में आ गया ना। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, कोट टेन को ही कोट को चेंज किया, कोट को ऊपर वन बटे टेन थीटा कैसे, इस प्रकार से अपन तो टेन पच्चीस से टेन पच्चीस गया, टेन पाँच से टेन पाँच गया, तो खाली होता है टेन तीस, और टेन तीस का मान करके वन बाई रूट। इस प्रकार से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं कि अब तुम पता है इनका मान याद नहीं होता, इनका भी है टेन का भी है, तो अपन डायरेक्ट टेन तीस का मान ले सकते, और टेन तीस का मान निकल आया। इस प्रकार से अपन एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मतलब कि पॉलिटिकल रूप को विस्तार से आना कैसे, जब उनको विस्तार याद है अपन पॉलिटिकल आना कौन सकते। ठीक है, तो